नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कॉन हॉर्स अवर्स। साथियों, आज हम आए हैं येवला मंडी में, जो कि हमारे महाराष्ट्र की सबसे पहली मंडी रहती है और काफ़ी प्रसिद्ध मंडी है। और ये मंडी की विशेषता है कि ये दशहरे बाज़ार में सबसे बड़ी मंडी भरती है और इस मंडी में सबसे ज़्यादा घोड़े, घोड़िया और सेल के लिए इस बार बग्घी भी आई है। तो बग्घी की वीडियो बहुत से आपने देखी होंगी, लेकिन भैया से जानेंगे कि ये बग्घियों के बारे में, क्योंकि ये खुद ही बनाते हैं इस बग्घियों को। और ये महाराष्ट्र की हमारे कारागिर है जो कि इतनी सुंदर बग्घियाँ बनती है, तो इनसे जानेंगे इस हर बग्घी के बारे में। इनके पास में काफ़ी डिज़ाइने हैं और इनकी कीमतें के बारे में भी जानेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका नाम? मस्जिद भाई। कहाँ से हो आप? श्रीरामपुर महाराष्ट्र। यानी आप येवला से बहुत नज़दीक ही रहते हो। हाँ जी। अच्छा, तो आपके पास में अभी क्या बग्घियाँ लाई है ना बेचने के लिए? अच्छा, तो आपके पास में कौन से पैटर्न की बग्घियाँ रहती है? जो भी बोले, कोई भी बोलो, फोटो दे दो, बस बनवा लो। अच्छा, तो आप खुद पूरा मैन्युफैक्चरिंग आप ही करते हो, है ना? ओके। तो अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? कैसे ये वाला अभी नया लेटेस्ट लॉन्च किया है। अच्छा, सस्ता और मस्त। अच्छा, इसका पैटर्न क्या बोलते हैं इसको? इसको रिंगी बोलेंगे। रिंगी। तो ये अपने बड़े घोड़े, छोटे घोड़े कौन से चलते हैं? ये इसमें छोटे घोड़े चलेंगे 50 माल। अच्छा अच्छा, यानी आपने खेचर बोल सकते हैं ना इसको, खच्ची जो गावरंग घोड़े बोलते हैं। ओके, तो ये दो घोड़े के लिए, एक घोड़े के लिए क्या है, क्या कीमत वगैरह इसकी? इसकी अपन 15,000 बोलते हैं, तो कम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, चलो बढ़िया है। कुशन वगैरह भी सब लगा है ना इसको? तो इसकी कितने लोगों की कैपेसिटी रहेंगी बैठने की? इसकी तीन लोग। तीन लोग बैठेंगे, ठीक है। आगे ये वाला, ये नया लुक है। अच्छा, ये भी नया है क्या? इसका लुक थोड़ा सा बैलगाड़ी के जैसा है। ये डबल घोड़े वाला है। अच्छा, डबल घोड़े का है क्या? अच्छा, बिल्कुल नया आइटम बना है। अच्छा, ये बैलगाड़ी में मॉडिफिकेशन करके ये आइटम? हाँ, वही बैलगाड़ी जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल नया है। तो इसको सिर्फ दो ही घोड़े चला सकते ना? हाँ जी। और राइड के लिए कितने लोग बैठेंगे इसमें भी? तीन सीट क्या? काफ़ी अच्छी हेवी है, पाटा की है ना? हाँ जी, इसको सस्पेंशन सिस्टम लगा है। सस्पेंशन सिस्टम है, बराबर। और इसकी बॉडी यानी लकड़ी और लोहा और सिर्फ इसके बीच में लकड़ी लगाई है। अच्छा, और टायर्स भी आपने मैक व्हील लगाए, यानी हेवी क्वालिटी कर दी इसको, बराबर। और इसकी क्या कीमत लगाई है? इसकी 30,000। अच्छा, ओके। आगे ये अपना रेगुलर टांगा, ये तो अभी बहुत कम दिखने मिलता है, लेकिन नहीं, लेकिन आपने वो जो जूनी परंपरा है वो हमेशा बरकरार रखी है। बराबर। और बचपन में जब देखते थे तो ये टांगा दिखता था, बहुत अच्छा लगा देखकर, ये मजा आ गया। अंदर का आउटलुक देखिए, बहुत बढ़िया बना है। बराबर। ओके, ये एक आइटम बनाया है देखो हमने, ये okay, इसकी भी लेंगे अपन। हाँ। एक पास मैंने से। तो ये जो पारंपरिक टांगा है, हाँ जी। तो ये पहले बहुत सी ज़्यादा पूरा बॉडी लकड़ी में बनता था, अभी लोहे का काम आ गया। तो अभी इसकी क्या कीमत वगैरह लगाई अपन ने? इसकी जो है तो 50,000 रुपये। तो आप तो इसको सामान के साथ में देंगे या सिर्फ गाड़ी देंगे? सिर्फ टांगा देंगे, तो ऑर्डर दीजिए मिल जाएगा। ओके। इसके जो व्हील है ये लकड़ी के बने हुए? लकड़ी के बने। अच्छा, तो ये कौन सी लकड़ी का यूज़ करते हैं आप? ये बबुल की लकड़ी। बबुल की, तो मजबूत रही, अच्छी रहती है। अच्छा, लेते हैं क्या अभी भी कोई भी टांगे? लेते हैं, बहुत कस्टमर है मेरे पास। अच्छा, ऑनलाइन चाहते हैं माल सब कुछ। अच्छा, तो आप जैसा अभी अपने महाराष्ट्र में आप बनाते हो, तो ये बाहर कभी और दूसरे राज्य में भी बेचते हो क्या? हाँ, बहुत आउट ऑफ स्टेट भी बेचते। अच्छा, आउट ऑफ स्टेट भी बेचते हो, कहाँ जाता है अपना माल फिर? मेरा पंजाब, आसाम। अच्छा, हरियाणा। ओके। तो कलर वगैरह वो जैसा ऑर्डर रहे तो आप बना भी देंगे, कलर भी मार देंगे, है ना? ओके, चलो। ये आगे की बोलो, ये बिल्कुल सस्ता और अच्छा है। अच्छा, इसको अपने शॉकअप लगाए थोड़े से ना, शॉकअप सर है, मैक व्हील है। और ये भी बाकी छोटे घोड़े के चलेंगे क्या? छोटे घोड़े के लिए 50 माफ। ये सिर्फ शौक वाला आइटम है सर? शौक। यानी उसमें कोई जैसा कोई पहले टांगा चलता था एक, ये अपना पैसा कमाने के लिए, ये सिर्फ शौक के लिए? खाली शौक रह गया, कौन पैसा कमाएगा? बराबर। नहीं, अभी तो घोड़े का शौक ही शौक के लिए हो गया है, उसमें कुछ नहीं। घोड़े पालने वाले ठीक है, शादी ब्याह वाले करते, बाकी तो शौक के लिए। इसकी क्या कीमत वगैरह है? इसकी 25,000। ये भी पूरा लोहे का ही बना है ना, सिर्फ बीच में लकड़ी थोड़ी सी लगी है। ओके, चलेगा, बढ़िया। ये नया आइटम दिख रहा है? नया आइटम बना है। ये ज़्यादातर पंजाब में दिखता है ना, महाराष्ट्र में बहुत कम दिखता है।
ये पैटर्न को क्या नाम दिया आपने? इसको टमटम बोला जाए। टमटम, ये कितने सीट के लिए बनती है? ये तो वैसे क्या भी सीट है उसकी, 12 सीट की। 12 सीट की। अपने घोड़े पे वो कितने सीट? हाँ, अपना घोड़ा कितना खींच पाएगा? हाँ, इसको सिंगल डबल दोनों चलेगा? दोनों भी चलेगी, बड़ा चलेगा छोटा चलेगा कोई भी चलेगा। ओके मैक व्हील इसको भी लगा है, सस्पेंशन है, ट्रैक्टर डिजाइन टायर लगे। अच्छा ट्रैक्टर, और ये चलने में भी सॉफ्ट होते होंगे? ओके, इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है ना? बढ़िया है। इसकी क्या कीमत वगैरह लगेगी आपने? इसके 80,000। 80,000, अच्छा। तो कुछ अभी ऐसा थोड़ा मॉडिफाई जैसा अभी कुछ लाइट्स वगैरह का भी आपने सोचा है क्या करने का? जैसा लाइट्स वगैरह बहुत अच्छे से डेकोरेशन है, LED वगैरह थोड़ा। कोई बंदा अगर ऑर्डर दे तो अच्छा, बहुत सारी चीजें बना सकते। तो वैसे आपने बनाई है क्या अभी तक? बनाई है, बहुत सारी बनाई है। सेल हो गए होंगे? सेल सेल। ओके, जैसे बन जाए की जो जिसकी ऑर्डर है वैसे आप उसको माल प्रोवाइड कर दिखा देना है, उसका बिल्कुल झेरोक्स मिलेगा। ओके चलेगा। इसके बारे में इसको एक्स्ट्रा सस्पेंशन सिस्टम दिया है, ये इधर नीचे वाला। अच्छा, ये वाला। अच्छा, सस्पेंशन दिया है, सॉकेट लगा है ना इसका बीच में? हाँ। ओके, इसको आपने रेगुलर टायर लगाया आपने? मैक व्हील है लेकिन टायर रेगुलर है। इसकी क्या कीमत वगैरह है? इसकी 25,000। इसको भी छोटा ही घोड़ा लगेगा? छोटा घोड़ा, 50 माप का। 50 माप का, बराबर। इसको ट्राली सिस्टम तो, लेकिन ऐसे ये अगर ये पैटर्न को बड़ा घोड़ा लगाएंगे तो फिर चलाने वाला थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। नहीं तो इसको ऊंचा भी कर देते ना फिर, अगर जो कोई बंदा अगर अच्छा बोले, बड़े घोड़े के लिए बनाने 62-63 तो ये बोले तो एक्स्ट्रा दूसरे डिजाइन में। अच्छा ऐसे एडजस्टमेंट हो जाती है बनाते वक्त ही होता है। ओके बहुत बढ़िया है। इसको ये ट्राली सिस्टम भी लगा है। अच्छा ट्रॉली भी लगा सकते आप एक्स्ट्रा, ये नहीं? बहुत बढ़िया, यानी जो किसी को 2 या 3 लगे और ज़्यादा चाहिए तो फिर पीछे बैठ सकते हैं। बराबर, बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये दोनों मिला के कीमत है या एक? नहीं नहीं, वो एक की कीमत 25,000, दोनों मिला के 40,000। 40,000, अच्छा। और एक बता दो। हाँ, इसके बारे में बताओ अभी। 25,000 वाला। 25,000 में काफ़ी अच्छी वाजिब कीमत है इसके लिए। ये भी अपने छोटे घोड़े के लिए चलेगा, 50 माप के लिए। अच्छा, ये छोटा वाला मेरा पोनी, बहुत बढ़िया घोड़ा है। अच्छा, तो अभी समझ लो कोई नया आदमी रहा, अगर उसको बग्गी लेने की तो इच्छा है लेकिन उसको घोड़े नहीं मिलेंगे, हाँ। तो आप उसको घोड़े भी प्रोवाइड कर देंगे? पूरा कंप्लीट किट अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, हाँ। तो ऐसी कैसी कीमत, क्या कीमत ही रहती फिर वैसी? तो आपने पे ना वो घोड़ा कितने का लेगा वो? अच्छा अच्छा, उसमें भी क्वालिटी रहेंगी, कलर पे भी रहता है? व्हाइट कलर के ज्यादा महंगे मिलते पोनी? हम चालू घोड़े देते। अच्छा, चालू जो बग्गी के चालू है? अच्छा, तो एक लगभग क्या रेट की चली जाती है? पूरा किट समझ लो 51,000। 51,000 में, यानी घोड़े में सिंगल क्या? सिंगल घोड़ा, टांगा, उसका सामान वगैरह सब, और पहुँचाने का अलग भाड़ा? हाँ जी। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। अभी ये वीडियो डालने के बाद में जो हमारे व्यूअर्स आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे, और जिसको जैसी चीज़ लगी, जैसे बग्गी भी चाहिए घोड़ा भी चाहिए, तो आप उनसे अच्छे दाम में उनको प्रोवाइड कर देना, ताकि हमारे व्यूअर्स को एक वाजिब दाम में चीज़ मिलेंगी, तो आगे भी आपको ऑर्डर करते रहेंगे। आजी, आजी। तो आपका पूरा नाम और नंबर बोल दो। मेरा नाम मजीद भाई। हाँ। मेरा मोबाइल नंबर है 93। हाँ। 26। हाँ। 610। हाँ। 981। ओके चलेगा, थैंक यू।